भाई लोग चंगेज को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं चंगेज के बारे में। हमने भी ठानी है कि हम चंगेज के बारे में बात करेंगे, और हम ही नहीं, हो सकता है आगे चल के जितने भी यूट्यूबर हैं सब चंगेज के बारे में बात करें। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसी ताजा अपडेट के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी ताजा अपडेट आपको यहीं पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अब देखो चंगेज का, जैसे मैंने टीजर देखा और इतना लोगों में पागलपन देखा चंगेज के लिए, टॉलीवुड स्टार जीत दा की मूवी है, और फिर मुझे उनकी रियलिटी पता चली, तो मेरे अंदर तो एक आग लगना जायज सी बात है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मतलब मैं ऐसा, मतलब एक ही, मतलब एक बंदे को मुझे पता चला है कि इसको तो मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं था। और फिर पता चलता है कि यार ये बंदा तो मतलब खिलाड़ी निकला है, मतलब खिलाड़ी है एक तरह से, तो फिर यार उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये मेरे साथ पहले पहले भी एक दो बार हो चुका है। एक तो KGF के टाइम पे भी हुआ था, और भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे, मैंने बचपन में इनकी मूवी देखी और जवानी में आके एक बड़ा नाम बन के वो हमारे सामने आए। तो ऐसे ही कुछ जीत दा के साथ मेरा कनेक्शन अब हो गया है फाइनली। तो ठीक है, चंगेज का अब जो चल रहा है, अब जो अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही हैं, अब देखो चंगेज का, जैसा कि मैंने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग पे ये मूवी होने वाली है। प्रॉपर 70s और 80s का आपको गैंगस्टर ड्रामा आपको इसमें देखने को मिलेगा, और वो लुक जो टीजर में हमें दिखे और जो मार धाड़ जो वायलेंस हमें दिखा, वो एक ना एक कहीं ना कहीं इशारा भी करता है। उसमें रोहित बहुत शराफ आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में आपने देखा होगा, वो सुनने में आ रहा है कि इसमें विलन बने हैं, और एज आ पुलिस इंस्पेक्टर वो इसमें आपको दिखाई देंगे, कोई DSP SP टाइप उनका कैरेक्टर होने वाला है। और ये जो इसका रिलीज डेट बताई जा रही है ना चंगेज की, इसका अनाउंसमेंट रावण से पहले हुआ था, रावण आ भी चुकी है और चंगेज का पहले हो गया था। ठीक है, तो चंगेज की जो हिंदी रिलीज डेट बताई जा रही है वो January 1st week में बताई जा रही है, यानी कि 4 जनवरी बताई जा रही है। 4 जनवरी को चंगेज आपको इन थिएटर देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाता है कि अगर ये इनकी रीजनल लैंग्वेज में आ रही है, इनकी लैंग्वेज में मूवी आ रही है, बंगाली इंडस्ट्री की ये मूवी है और बंगला लैंग्वेज में ये आ रही है, वो 4 जनवरी इनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपने स्टार की मूवी वो ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हाइप इस मूवी ने पकड़ ली है, लोगों को पसंद इसका टीजर आ रहा है, लोगों के अंदर पागलपन इस मूवी को लेके है, अगर ये प्लानिंग करते हैं हिंदी में इस मूवी को लाने की, तो मेरे ख्याल से ये मूवी थोड़ा आगे जा सकती है। जनवरी तो भूल ही जाइए, फिर अगर ये पैन इंडिया लेवल पे एक साथ ये मूवी आ रही है तो आप जनवरी भूल जाइए, आप फरवरी याद कीजिए, फरवरी में ये मूवी जाएगी, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे ऑलरेडी जनवरी पूरा बुक है। संक्रांति हमने आपको बताई, थुनीबू बारिशू चिरंजीवी साहब की एक मूवी है, उसके एक दो हफ्ते बाद पठान आना है, और इक्का दुक्का और भी मूवी होंगी जो शायद से अभी रिसेंटली याद हमें नहीं आ रही है। तो फरवरी जाएगी अगर एक साथ ये पैन इंडिया पांचों लैंग्वेज में आती है, हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा माफ़ कीजिए, तो अगर उस लैंग्वेज में ये एक साथ आती है तो ये जनवरी में नहीं आने वाली। ठीक है, अगर ये वाला फंडा जो अभी तक चला आ रहा है रीजनल मूवीज़ के साथ कि ये पहले अपनी लैंग्वेज में रिलीज़ करते हैं, फिर लोगों के अंदर पागलपन उस मूवी के लिए देखते हो, कहीं ना कहीं उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल जाता है, फिर ये लोग हिंदी की प्लानिंग करते हैं। हमने सेम कांतारा के साथ देखा, हमने कार्तिके 2 के साथ देखा, दमन के साथ भी हम देखने वाले हैं। अगर वो सीन होता है तो 4 जनवरी को आपको ये ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी देखने को मिल जाएगी, और समथिंग 1 से 1.5 महीने बाद ये हिंदी में भी रिलीज होगी, और हिंदी में आपको फरवरी मार्च तक ये मूवी देखने को मिल जाएगी। तो यही, अभी इस पर कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ बंगाली लैंग्वेज में ये मूवी 4 जनवरी बताई जा रही है, 4 जनवरी को इसकी रिलीज डेट फिक्स है इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में। और मैंने 2 पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, अगर मेकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे, एक साथ पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करते हैं तो जनवरी में रिलीज करना अपने पैरों पर खुलाड़ी मारना होगा, इसलिए फरवरी में वो मूवी जा सकती है, या ये पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी आएगी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिक का देखेगी, उसके बाद जाके ऑब्जर्व करेंगे मेकर्स कि इसको हिंदी में लाना चाहिए, अदर लैंग्वेज में लाना चाहिए, तो वो उसकी प्लानिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जाके आपको फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपको ये मूवी और अदर लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, जो कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो। मैं हिंदी में इस मूवी को एंजॉय करूँ, हिंदी में देखूँ और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। आप लोगों की क्या थिंकिंग है, आप लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट है, सारी चीज़ें लिखकर बताएं। आप लोगों के पास कोई खबर हो तो वो भी हमें जरूर से बताएं, उस पर भी मैं रिसर्च करके वीडियो जरूर से बनाऊंगा। और ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में और कोई नई ताजा अपडेट लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।